गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस अगेन 15.3 एक्सरसाइज क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, एक मेटेलिक सिलेंड्रिकल डिस्क है जिसको मेल्ट किया और मेल्ट करके रिकास्ट किया, उसको एक न्यू हमने सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया है और उसमें हमें डिस्क की रेडियस और हाइट दी हुई है। लेकिन जो न्यू सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाया है हमने मेल्ट करके, उसको डिस्क को मेल्ट करके उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जब हमें हाइट फाइंड करनी है तो इसका मीनिंग है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हमें हाइट फाइंड करनी है सिलेंड्रिकल ब्लॉक की स्टूडेंट। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पाई से पाई हमने यहाँ पर कैंसिल किया, 28 × 28 × 7 इक्वल टू 14 × 14 × h। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें स्टूडेंट हाइट फाइंड करनी है। सो हाइट इक्वल टू 28 × 28 × 7 अपॉन 14 × 14। ये 14 इधर आ गया, साइड चेंज कर दिया यहाँ पर। 14 × 14 = 28 सो स्टूडेंट h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल ब्लॉक की हाइट को फाइंड कर लिया है। इससे आगे स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में हमें जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है और सिलेंड्रिकल डिस्क है, इन दोनों के टोटल सरफेस एरिया में क्या रेशियो है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसी क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, इन्हीं दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखिए, रेशियो फाइंड करने के लिए स्टूडेंट जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया में, वो है 2πr h + r। क्लियर स्टूडेंट? तो 2πr स्टूडेंट कितना है, देखिए सिलेंड्रिकल डिस्क का, सिलेंड्रिकल डिस्क का जो r है वो 28 है, हाइट यहाँ पर 7 है, रेडियस 28 है, रेशियो 2πr। देखिए जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है स्टूडेंट, इसकी जो रेडियस है, तो रेडियस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो रेडियस 14 है यहाँ पर, 14 h 28 प्लस r 2π से, देखिए 2π स्टूडेंट हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 28 मल्टीप्लाई 28 प्लस 7 स्टूडेंट 35, रेशियो 14 मल्टीप्लाई 28 और 14 को प्लस करें 42। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए 14 × 14 = 28 7, अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। क्लियर स्टूडेंट? 5 × 2 = 10, 10 = 6 स्टूडेंट। आगे भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 की टेबल से अगर हम दोनों इसको रिड्यूस कर दें तब ये होगा 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल डिस्क एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक को फाइंड किया और इन दोनों का रेशियो है 5:6:3। क्या है स्टूडेंट? 5:3। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हम 8 डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हाउ मैनी वुडन शीट्स ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वुडन ब्लॉक विच इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 6 सेंटीमीटर थिक मेजर दैट देयर इज नो वेस्टेज। ये कह रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर हाउ मैनी वुडन शीट्स, कितनी शीट्स बनेंगी यहाँ पर, जबकि इन्होंने कहा है कि जो
प्रिपेयर किया जा रहा है, वुडन ब्लॉक से भी इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? वुडन ब्लॉक से। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 120 इंटू 30 इंटू 6, इससे हमें वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वुडन शीट, अब इसी ब्लॉक से स्टूडेंट हमें कुछ शीट बनानी है और हमको ये फाइंड करना है कि ब्लॉक से कितनी शीट्स हम बना सकते हैं। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुडन शीट हम निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही यहाँ पर हमें पता हैं। तो हम क्वेश्चन में ये फाइंड कैसे करें कि इस वुडन ब्लॉक से कितनी वुडन शीट्स हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें स्टूडेंट, क्या करें, इसका मतलब है वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम को हम वुडन ब्लॉक की जो शीट बनानी है उससे डिवाइड कर दें। सो नंबर ऑफ शीट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन शीट। क्लियर स्टूडेंट? सो 120 इंटू 30 इंटू 6, ऊपर हमारा क्या आ गया, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और नीचे हम क्या कर देंगे डिवाइड में स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ वुडन शीट, और इसके लिए भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर स्टूडेंट? 2 1 = 2, 2 3 = 6, 10 1 = 10, 10 3 = 30, 0 से 0 डिवाइड कर दिया स्टूडेंट यहाँ पर, 4 1 = 4, 4 3 = 12। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सभी कुछ हम डिवाइड कर दिया, नीचे हमारे पास 1 × 1 × 1 है और ऊपर है 3 × 3 × 3, 3 3 = 9 एंड 9 3 = 27। सो नंबर ऑफ शीट्स स्टूडेंट कितनी बनेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ शीट 27 बनेगी। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप दैट स्टूडेंट, आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे, ये दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।